हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोक्ष धाम के द्वार पर, यहाँ पर इंसान एक बार लाइट जलाओ, लाइट यहाँ पे किया जाता है और रात का समय है दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा उधर कुछ है, कहाँ पे? कहीं भी नहीं है कुछ भी भाई, लगा मेरे को भी है, कहीं भी कुछ भी नहीं है भाई। तो आज की वीडियो काफी खतरनाक और एडवेंचर भरी होने वाली है, रोमांचक भी आप लोग कह सकते हो। और पहले मैं आप लोगों को अपनी टीम दिखा देता हूँ। मेरे साथ काफी लोग हैं, कुल्ली भाई है, अरुण भाई है, मोनू भाई है और जो कैमरा पकड़े हुए हमारे भीम भाई हैं। तो आज की वीडियो खतरनाक और एडवेंचर भरी क्यों होने वाली है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग रात के लगभग 12 बजे से भी ऊपर टाइम हो रहा है, 12:23-24 का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं शमशान घाट। तो देखते हैं वहां पर हमको भूत मिलते हैं या नहीं, जो भी होगा आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया जाएगा। और ये बिल्कुल भी प्री प्लान वीडियो नहीं है, ये साथ साथ जो होता रहेगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार टाइम दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक फोन है तो गूगल से पूछ लेते हैं, उसका बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है। ओके गूगल, व्हाट इज द टाइम नाउ? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ये टाइम दिखा रहा है लगभग 12:27 का टाइम दिखा रहा है। और एक बार यहाँ पे एलईडी में भी दिखा हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो। और भीम भाई के फोन में भी यही टाइम शो कर रखा है और ये भी 12:27 AM 14 जनवरी। हम अपने जो होडल शहर है उसके शमशान घाट के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अपने गांव के शमशान घाट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जो शहर के शमशान घाट होते हैं वो काफी मॉडर्न होते हैं और उनमें इस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता और थोड़े डरावने भी नहीं होते। तो आज हम ये देखने जाएंगे कि वहां पर भूत होते हैं या नहीं, या कोई नॉर्मल एक्टिविटी हमारे साथ होती है या नहीं होती। और पीछे अपनी एक बार टीम की राय जानना चाहूंगा, तो भाई कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को, एक एक करके सभी बताएं। कुल्ली भाई से स्टार्ट होंगे। भाई अच्छा महसूस हो रहा है, डर तो नहीं लग रहा भाई जी? बिल्कुल भी डर नहीं है। मोनू भाई? बिल्कुल, देख के वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अरुण भाई? मैं तो भाई बिल्कुल चाहता हूँ कि कुछ हमें दिखे ताकि हम भी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करें कि यहाँ सच में कुछ होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। और चमन भाई आप भी बताइए थोड़ा सा। वो तो कभी मजा आ रही, पूछो मत, कुछ होगा तो देख ही जाएगी, जो बात भगवान द्वारा दे। तो यहाँ पर डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि कई YouTube वीडियो देखी है जिनमें वो रात को शमशान घाट वगैरह जाते हैं तो उनमें काफी इस तरह का मीटर है, डरावना दिखाते हैं भाई, ऐसा कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट हमें कुछ ऐसा फिलहाल तो फील नहीं है, बट आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है। और ना ही मैं इसमें एडिट करके वो वाली धुन लगाऊंगा जो भूतों वाली होती है, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है बिल्कुल क्लियर होती है, इनमें कोई फालतू फंड की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, परंतु जो रास्ते में असलियत में जो घटेगा वो आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, काफी सारा मजा आने वाला है क्योंकि हम पहुंचने वाले शमशान घाट और फिर वहां पर जाकर देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमारे जो भीम भाई हैं आज उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरी राय तो ली नहीं, तो मैं भीम भाई से पूछना चाहूंगा, भीम भाई आप क्या कहना चाहते हो? आपका फेस तो नहीं आएगा परंतु आप बोल के बता दो, दर्शकों को सुन जाएगा, आपकी आवाज को पहचानते हैं। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वहाँ एक नया एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए कि उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, जो भी चीज उसमें हमें दिखाई जाती है वीडियो में वो सच होती है झूठ होती है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम सारे हमारा ग्रुप फर्स्ट टाइम जा रहा है और देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, कितना उसमें सच निकलता है कितना उसमें झूठ निकलता है, ये वहां जाके पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, आपको कुछ उसमें कुछ अच्छा कुछ देखने को मिलता है। तो ये भाई भीम भाई आपने ये बात बहुत सही कही है, क्योंकि ये पहली बार का होगा। वैसे तो खेतों पर पानी लगाते टाइम उसके आसपास तो हम कई बार डोल चुके हैं, परंतु उसके अंदर नहीं गए रात के समय में। आज उसके अंदर जाके देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो वीडियो में बने रहे, काफी मजा आने वाला है, रोमांचक वीडियो होने वाला है। एक बार रोड को दिखा दीजिए भाई और उसके बाद। तो गाइज हम यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है, हम अपने जो मरेठा हुए हैं हमारे गांव के उनसे ज्यादा दूर नहीं है, हम बहुत ज्यादा पास हैं, पहुंचने वाले हैं। और जो हमारा रोड है बिल्कुल खाली पड़ा है, इस पे कुछ बस जो वो चल रही है बस ट्रक वगैरह। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, इस पर कोई व्हीकल नहीं है, इक्का दुक्का व्हीकल जा रहे हैं। और पहले इस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक हुआ करता था जब दिन में, रात में कोई भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, परंतु उतना कुछ नहीं है जैसा कि लोग दिखाते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है।
अभी ये हमारे गांव का हाईवे है और हाईवे पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो देखते हैं शमशान भूमि में जाकर क्या होता है क्या नहीं होता। और वैसे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ शमशान घाट के बारे में। शमशान घाट को मोक्ष धाम कहा जाता है और मोक्ष धाम वो जगह होती है जहां पर जाने के बाद इंसान को मुक्ति मिल जाती है। तो वहां पर मेरे हिसाब से ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है, वो हमारे चारों तरफ होती है, परंतु उसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो आज का ये व्लॉग कह लो या फिर एडवेंचर टूर कह लो काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जरा सा भी मिस मत करना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं शमशान भूमि के गेट पर और मैं यहीं पे गाड़ी को खड़ा करूंगा और इसके अंदर जाकर देखते हैं। और रात का टाइम हो रहा है, आपको एक बार एलईडी स्क्रीन में दिखा देते हैं, 12:36 हो चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद गाड़ी को यहाँ पे बंद करते हैं। बंद मत करो, स्टार्टर है। नहीं ऐसा कोई डर नहीं भाई, ऐसा कोई डर नहीं है। आप एक बार देखेंगे, हमें जब ही तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोक्ष धाम के द्वार पर द्वार का निर्माण प्रमाण जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे चारों तरफ का एक बार मैं भीम भाई को बोलूंगा, चारों तरफ का जो सन्नाटा उसको दिखा दीजिए पहले चारों तरफ करके, और उसके बाद चलते हैं इस शमशान भूमि यानी कि मोक्ष धाम के अंदर और फिर देखते हैं क्या नजारा मिलता है हमको। तो ऐसा दोस्तों मैं कुछ भी फेक पना इसमें नहीं करूंगा, जैसा आप लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसा कुछ होगा, डरावना कुछ होगा। अरे महादेव, अगर कोई जेन्युइन चीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि भाई ये जेन्युइन चीज हमें यहाँ पे दिखाई दी है। और ये वो जगह है जहाँ पर एक बार लाइट अंतिम संस्कार किया जाता है। आप लोग देख सकते हो ये वही जगह है जहाँ पर इंसान एक बार लाइट जलाओ, लाइट यहाँ पे किया जाता है। और रात का समय है दोस्तों और थोड़ा थोड़ा अंदर से वो फीलिंग आ रही है हवा की वजह से हवा चल रही है ना बहुत ज्यादा, डरने वाली 1% भी बात नहीं है भाई। ये हवा की वजह से गेट बजा था, परंतु ये एकदम वो डरावना सीन हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो यार सभी को लगता है कोई कितना भी अपने मन में भीमबली बने ना भाई, भीम भाई ना भाई, मैं भीमबली हूँ कुछ नहीं है यार, कुछ भी 1% भी कुछ नहीं है, वो हवा की वजह से। अरे कुछ ही नहीं है यार, देखो पेड़ देखो कितनी ज्यादा, देखो कितनी ज्यादा वो है आपको माइक उसमें माइक में आवाज क्या है, उधर कुछ है कहाँ पे, कहीं भी नहीं है कुछ भी भाई, लगा मेरे को भी है कहीं भी कुछ भी नहीं है भाई, जहाँ पे है चल कैमरा पकड़, मैं जाऊंगा वहाँ पे कैमरा पकड़ो, मैं जाता हूँ वहाँ पे, बताओ कहाँ, एक बार मैं पकड़ लेता हूँ, बताओ। तो भीम भाई इस पेड़ के ऊपर शायद कुछ है, बताओ कहाँ पे, यहाँ पे पेड़ ही हिलाओगा, हवा चल रही है पेड़ हिल रहा है, ये पेड़ हिला दोस्तों, वैसा कुछ नहीं है कि ये जो पेड़ था वो हिल गया भाई, था। देखो जिसका नाम है वो है तो सारी चीज, बट मैं ये चीज मानता हूँ मोक्ष धाम सबसे शुद्ध जगह होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, कहीं और भी तो जाके मिल सकता है बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला जी, मेरा ये मानना है जी। तो एक बार भाई कुछ भी मानना हो, मैं कैमरा की ड्यूटी और करो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा और चक्कर लगाते हैं यहाँ पे चारों तरफ का, क्योंकि कई YouTube वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ चीजों को दिखाते हैं, परंतु ऐसा यहाँ पे हमें अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। और थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं, क्योंकि ये जो भ्रांति है ये खत्म करनी है हम लोगों को कि भाई इस तरह का कुछ होता है, ऐसे डराते हैं बच्चों को। ये चारों तरफ का जो चक्कर है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चलते हैं आगे। तो गाड़ी का हॉर्न बजा शायद, मेरे को ऐसा लगा या तो कोई साथ में जो रोड है उससे कोई गाड़ी जा रही होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी की चाबी तो हमारे पास ही है और हम सभी लोग एक साथ हैं फिलहाल। तो ये मेरे हिसाब से पूरा के पूरा चक्कर यहाँ पे हो जाएगा, पूरे शमशान घाट का। यहाँ वो ट्रक की, और वैसे दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, ऐसी जगह पर आने के बाद थोड़ी सी भी आवाज हमें बहुत ज्यादा सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है। और यहाँ पे वो कफन वगैरह हैं जो डेड बॉडी के ऊपर डाले जाते हैं। और चलते हैं भीम भाई, वैसे आपको बता दूं ये काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर काफी तरक्की है। आप लोगों ने देखा जैसे गाँव का शमशान घाट है उस तरह से ज्यादा उस तरह से नहीं है, काफी तरक्की है, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा पैसा लगाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टूर, तो इसमें ऐसा भी कुछ डराने वाला आपको नहीं मिला, थोड़ा बहुत टाइम हमें भी थोड़ा सा, क्योंकि काफी तेज हवा चल रही है यहाँ पे और उसको देख के हमें लगा था कि भाई कुछ ना कुछ है, परंतु हमने जब पास जाकर देखा तो जो पेड़ों की डाले हिल रही है ना, इनको लगा था देख के कि भाई कुछ ना कुछ है, क्योंकि इस तरह के ही पेड़ है
इस तरह की डाले थी, उनको हिलने से हमें लगा था कि कुछ ना कुछ है। और ये गेट वगैरह हवा से शायद हिले होंगे मेरे, जो आपको वीडियो में भी आवाज़ थोड़ी सी सुनाई दे गई होगी। और ये इधर भी है कुछ, इसको भी दिखा देते हैं भीम भाई। जय श्री राम, जय श्री, ये भगवान का नाम लिखा हुआ है। और ये मेरे हिसाब से बैठने के लिए कोई जगह होगी थोड़ी बहुत। हमारे साथ एक बंदा था कुलवीर भाई, वो कहाँ पे है? कुलवीर भाई यहीं पे होंगे, उन्हें सर्च मारो पहले। तो दोस्तों हमारी पूरी टीम आ जाई थी शमशान घाट, और यहाँ पे हमें ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ भी नहीं मिला। बसरते थोड़ा बहुत हवा की वजह से गेट वगैरह हिले थे, तो हमें लगा था कि कुछ ना कुछ है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और अब भी मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ भी हिलता हुआ दिखाई देता है, जैसे वहां पे वो डाली हिली थी अभी थोड़ी देर पहले, और मुझे लगा था कोई यहां से जा रहा है। क्योंकि जहां पर हम जाते हैं हमारा मन उसी तरह से काम करता है, हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है परंतु वो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अलग तरह की एनर्जी होती है, वो किसी को परेशान नहीं करती। तो यहाँ पे थोड़ी हमारी टीम के द्वारा मस्ती हो रही है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाइयों और किसी को कुछ कहना है? जय भारत, हर महादेव, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भाई यही कहना है कि ऐसी चीजों पे जब विश्वास करो, जब खुद देखो, तब तक विश्वास नहीं, मैं तो करूंगा नहीं जब तक देखूंगा नहीं। सीधी सी बात ये है, मैं आज आया आपके सामने, सब कुछ देखा और सब कुछ नॉर्मल था, 1% भी कोई डरावने वाली चीज नहीं, कुछ भी नहीं था। ये सब एक कहने वाली बात होती है। हाँ, जिसने देखा है उसको है, उसके लिए सब कुछ है, बाकी हमारे लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहा है। हमारा सारा टूर प्लान जो भी हमने किया है आपके सामने किया है। बहन भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों याद से करें, तो हमने आपने जो सुनी जो देखा वो सब कुछ एक हमारा भाई, भाई ये जो अभी आपने आवाज सुनी ये वैसा कुछ नहीं था, कुल्ली भाई ने हमको डरा दिया। और आपको बता दूं हकीकत में हम लोग डर चुके अंदर से एकदम धकते थी ना, जैसे होता ना एकदम बुरा हाल हो गया, भूतों वाली डरने वाली फीलिंग आ गई थी। कुल्ली भाई ने अच्छा डराया, गुड भाई, गुड जॉब भाई, गुड जॉब कुल्ली भाई। तो दोस्तों ये आपको कहना चाहूंगा, हमारे चैनल पे कुछ भी फेक नहीं दिखाया जाता। अब दिखाने को हम ये भी बता सकते हैं, इस इधर साइड से किसी ने गेट बजाया, परंतु जो एक्चुअलिटी है वही दिखाएंगे आप लोगों को, और वही दिखाते रहेंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।